मैं जयराम महतो से ज्यादा कुछ बोल लूंगा। जयराम को मेरे सामने लाइए और हमसे डिस्कस कराइए, अगर आप में है वो पावर तो जयराम को लाइए मेरे पास। शेड्यूल ट्राइब में है और हमको हटा दिया गया। पहले रुकिए रुकिए, अरे रुको, पहले सुनेगा ना यहाँ, पहले सुनेगा, पहले बात को सुनो, अरे हल्ला करने थोड़ा होगा, पहले बात को सुनो, समझो पहले, समझिए। 1932, अरे रुको, 1932 अबर आएगा हम लोग को गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो आएगा। तो एक हमारे जयराम बाबू अगर जीत के जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे पार्लियामेंट में? जयराम महतो जीतेगा सर, इनको कहने से कुछ नहीं होगा। जयराम महतो जीत रहा है, जयराम महतो से आगे कोई नहीं है, कितनों आ जाए नेता, जयराम महतो के आगे कुछ नहीं है। जयराम महतो कह रहा है, जिसका जितना थिंकिंग है उतना बोलेंगे। परीक्षा दे के आता है कैंसिल हो जाता है, ये कहाँ का नियम है, ऐसा होता है कहीं क्या? नहीं दे के आवे अभी यार, घर नहीं पहुँचा कैंसिल हो गया, ऐसा होता है कहीं? कोई बोलता है जेएमएम नहीं बोलता है, वो बोलता है बीजेपी बोलता है, तो किसको वोट देगा सर? ते बरनवाल वोट जितने बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी के सिवा किसी को नहीं देगा। हाथ उठा बोलते हैं वोट जयराम महतो देंगे। देखिए क्या बोल, नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम गिरिडीह लोकसभा में है, और गिरिडीह लोकसभा में होने के मायने क्या हैं ये आप भी बखूबी जानते हैं। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा के नवाडी चौक पर हैं। आप जानते हैं कि जितने भी लोग इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, आप जानते हैं कि ये विनोद बिहारी महतो की यहाँ प्रतिमा जो है ये स्थापित की हुई है। बहुत महत्वपूर्ण चौक है, एक तरह से इस पूरे अलग अलग एरिया के जो बुज़ुर्ग मंडली है उसका यहाँ बैठकी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने कहा क्यों ना एक बार यहाँ पर आकर लोगों से बातचीत की जाए, समझा जाए यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे क्या क्या प्रभावी रहेंगे। तीन अलग अलग खेमे हैं लेकिन सबका जमात एक ही है, उसको लेके भी बातचीत होगी। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके इन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महावीर महतो है, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी की जिला सचिव? जी जी जी, ठीक। देखिए यहाँ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ये कुर्मियों का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से उदाहरण के तौर पर विनोद बाबू चुनाव जीते हैं, राजकिशोर बाबू जीते हैं, और टेकलाल बाबू जीते हैं, और सिलसिला चल ही रहा है, और हमारे रविंद्र कुमार पांडे जी भी 4-5 चुनाव जीते हैं, बिंदेश्वरी दुबे भी जीते हैं, और लोग जीते हुए हैं। तो इस बार का चुनाव में मैं कांग्रेस के नाते कहना चाहता हूं कि हमारे जयराम महतो जी ने 1932 का जो मुद्दा अपनाया है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी चुनाव में यही मुद्दा अपनाए थे और बोला था कि मैं 1932 लागू कर दूंगा। इसी के एवज में हमारे पूर्व मंत्री माननीय टाइगर जगन्नाथ महतो जी ने भी आंदोलन किया था, जिसमें जेल भी गया था वो। हालांकि 1932 मेरे हिसाब से ये लागू नहीं होगा, एक राजनीतिक ड्रामा, ये एक ईसू लोगों ने बनाया है, कहावत नहीं है कि नो मन घी जमा होगा ना राधा का नाच लगेगा। मेरे कहने का मतलब है 1932 कैसे लागू होगा, पार्लियामेंट में जब तक यहाँ से लोकसभा का 3/3 बहुमत नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं भी कर सकता है। तो एक हमारे जयराम बाबू अगर जीत के जाते हैं तो ये क्या कर लेंगे पार्लियामेंट में? केंद्र सरकार में जब हमारे बीजेपी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारे आयसू के नेता रहा करते थे जो सांसद हैं, वो कुछ नहीं कर पाए 1932 को लेकर, और यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जैसे लोग और सुदेश महतो जी ने भी कहा, लेकिन जब ये लोग सरकार में रहे, जब पावर में रहे, तो कुछ नहीं कर सके। आपने अभी कहा कि हेमंत सोरेन भी जो है वो 1932 लागू करने का ड्रामा कर रहे थे जी, लेकिन हेमंत सोरेन जिस मार्फत सरकार में आए वो तो आप उसकी सरकार में आपकी पार्टी भी शामिल थी जी, जी। तो ये आपकी पार्टी की भी चूक है कि उन्होंने 1932 लागू कराने में उन्होंने चूक तो है, ये चूक तो है, जब जनता को वादा किए और नहीं किए तो ये तो आपने आपकी पार्टी ने भी बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या होगा, मैं एक निष्पक्ष स्वेच्छापूर्वक मैं कह रहा हूँ कि मेरे भी पार्टी में कुछ गलतियाँ लोग करते हैं, बड़े लीडर जिसको खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। आज यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि 1932 नहीं हो सकेगा। NDA और UPA की जहाँ तक बात है, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं जयराम महतो चुनाव जीतेगा, लेकिन जयराम महतो के साथ वैसे लोग हैं
नौजवान लोग खास करके कुर्मी युवा नेता जो लोग हैं, नए युवा लोग हैं, वो लोग ज़्यादा मात्रा में हैं, ठीक है ना। उसके बाद अन्य जाति के वोटर्स जो पैक्ट है हमारे इंडिया गठबंधन का, जैसे हो गया आपका आदिवासी वोटर, ये एक भी वोट नहीं जाएगा, वो जाएगा तो इधर इनका जो जेएमएम का जो उम्मीदवार रहेगा उधर जाएगा। जैसे मुस्लिम वोटर, एक मिनट, मुस्लिम वोटर ये पैक्ट वोटर है, ये वहाँ केंद्र में देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी के साथ टक्कर किनका होगा, तो ये उन्हीं को देंगे, जेएमएम के जो उम्मीदवार रहेंगे उन्हीं को देंगे, इसलिए कि यहाँ अलायंस है और हम भी उन्हीं को देंगे। मेरा जो भी उम्मीदवार रहेंगे मैं दूंगा, जेएमएम के उम्मीदवार को दूंगा, जेएमएम के जी, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। तो यहाँ पर जयराम बाबू अगर चुनाव ही जीतते हैं ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया भांज रहे थे पहले, कहाँ गए, चले गए क्या? कह रहे हैं कि जयराम मातो जीतेगा सर, इनको कहने से कुछ नहीं होगा, जयराम मातो जीत रहा है, बॉस जयराम मातो से आगे कोई नहीं है, कितनों आ जाए नेता, जयराम मातो का आगे कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, आदिवासी वोट कह रहे हैं कि भाई आदिवासी वोट पैक्ड है, मुसलमान वोट पैक्ड है, मुसलमान वोट उनका पैक नहीं है सर, मुसलमान वोट सब जयराम मातो को दे रहा है, खुलेआम दे रहा है, जयराम मातो को दे रहा है, वो मुस्लिम जयराम को चला गया जमाना, अभी इसको नहीं देगा, भले विधायक जयराम मातो रहते हैं उनको देंगे, लेकिन इनको मथुरा मातो नहीं देंगे। कह रहे हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर कह रहे हैं कि इस बार फुटबॉल में आप लोग गोल कर दे रहे हैं, इनको बोलने से क्या होगा सर, बोल करके इनसे 1932 के खतियान के लागू से होगा उसका, और हो के रहेगा सर, सब चीज हो रहा है, कैसे कि खाली हवाबाजी है कि वाकई कुछ नहीं, जयराम मातो जीतेगा, जयराम मातो। बीजेपी कहने निकली, आजसू कहने निकली, प्रकाश चौधरी कहने ना, उन लोग जीत पे नहीं करेगा ना, वजह थोड़ा बताइए हमको, समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाना होगा। अब बार आएगा हम लोग को गिरिडीह लोकसभा से जयराम मातो आएगा, वजह तो कुछ बताइएगा कि ये वजह है जिसके वजह से, हाँ आगे दिन का बाल बच्चा का भविष्य बढ़िया है इसलिए जयराम मातो आएगा। सीपी चौधरी कहने से आपके बाल बच्चा का भविष्य बेहतर नहीं, 5 साल में आज तक कुछ नहीं किया, 5 साल में कुछ नहीं, कुछ नहीं किया 5 साल में, कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं किया सर, हम लोग बाल बच्चा परीक्षा दे के आता है कैंसिल हो जाता है, ये कहाँ का नियम है, ऐसा होता है कहीं क्या, नहीं दे के आवे अभी यार घर नहीं पहुँचा कैंसिल हो गया, ऐसा होता है कहीं, कोई बोलता है जेएमएम नहीं बोलता है, वो बोलता है बीजेपी बोलता है, तो किसको वोट देगा सर, जयराम मातो देगा, उसी को लगातार विपक्ष में होके सब मामला, वो सब कुछ नहीं उठा रहा है, खाली दिखावा है सर, खाली दिखावा है, कुछ नहीं करता है, जयराम मातो करेगा सब। क्या भैया, नहीं जो बोल रहे हैं सच्चाई बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं ना ये सच्चाई बोल रहे हैं, जो भी करेंगे हम लोग झारखंड के हित में जयराम मातो ही करेंगे और दूसरा कोई नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा है कि एक नए नवेले व्यक्ति के आने के बाद आप लोगों की पूरी आकांक्षाएं जो हैं वो जयराम मातो तक सीमित हो गई, आप लोग को लगता है कि इसके अलावा और कोई नेता नहीं, क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि इतना दिन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जिसको भी मतलब हम लोग जिता रहे हैं लेकिन हम लोग के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और कोई ना मुद्दा उठाता था। आज से पहले जो भी मतलब हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आज के पहले कोई मुद्दा नहीं उठाता था, लेकिन अभी फिलहाल में जो है जयराम मातो ने ऐसे 2 साल में कर दिया है कि मतलब जो है लोगों का आस और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के जाइए में भविष्य में कुछ करेगा झारखंड के हित के लिए। कहाँ गए चचा? अरे सुनिए 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 सुनिए, पूरा आपके क्षेत्र में माहौल है एकदम जयराम मातो जयराम मातो नावाडी चौक। देखिए जयराम मातो कह रहा है ना, जिसका जितना थिंकिंग है उतना बोलेंगे, आप बोलने का अधिकार सबको है लोकतंत्र में, किसी को बोलने से आप मना नहीं कर सकते हैं, बोलने का अधिकार सभी लोगों का है, आम आवाम का। क्या वजह है कि इतने साल से यहाँ पे जो मैं जयराम मातो से ज्यादा कुछ बोल लूंगा, जयराम को मेरे सामने लाइए और हमसे डिस्कस कराइए, अगर आप में है वो पावर तो जयराम को लाइए मेरे पास, पूछेंगे कि आप किस आधार पर करिएगा, कैसे कर दीजिएगा, हमको बताइए। सुनिए ना, हमारे ही साथी अभी बताए ना, सुनिए ना, कोई समर्थक है जो डिबेट करना चाहेगा मेरा, बताइए कैसे आप जयराम मातो जीतेगा, बताइए कैसे जयराम मातो 1932 के खतियान जो बोल रहे हैं ना, 1932 खाली नहीं बोल रहे, जितना भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है लास्ट तक सब कब लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1932 से खाली बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इस वजह से जयराम मातो जो भी बोल रहे हैं झारखंड के हित के लिए बोल रहे हैं, और अगला नेता जो भी पहले थे वो कुछ ऐसी बोलते नहीं थे कि मतलब जो बोलते थे अपने के लिए और करते कुछ नहीं थे, और जयराम मातो जो बोल रहे हैं, अगर हमारा सुनिए अगर जो है सबका हम लोग बारी बारी से मतलब मौका दिए, इनको भी एक बार मौका देंगे तो क्या हर्जा होगा, बोलिए बोलिए उधर करके बोलिए, हम इतना ही बोलेंगे। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि जयराम मातो मतलब फैक्टर नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए फैक्टर होगा कि आने वाला भविष्य में हम लोग बाल बच्चे के लिए जो है ना वो जो जरूर कुछ करेंगे,
हालांकि आपको अभी लग रहा आप अपने दूसरे पार्टी से इस वजह से आप बोल रहे हैं कि जयराम महतो कुछ नहीं करेगा। हम तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन जयराम महतो विचार से हम बोल रहे हैं कि ये मतलब जयराम महतो कुछ करेगा। ठीक है, करेगा। आपको पता है क्या पता है? हम एससी शेड्यूल ट्राइब में थे, पता है कि नहीं? शेड्यूल ट्राइब में है यार, हमको हटा दिया गया। पहले रुकिए, रुकिए, पहले, अरे रुको, पहले सुनेगा ना यहाँ, पहले सुनेगा, पहले बात को सुनो, अरे हल्ला करने से थोड़ा होगा, पहले बात को सुनो, समझो, पहले समझिए। 1932 अरे रुको 1932 जो है, पहले सुनो इधर, 1932 पहले, फिर बोलने नहीं देता है, 1932 जब ये कह रहे हैं कि मैं कर दूंगा, तो चाईबासा तरफ विरोध हुआ था कि नहीं, पता है कि नहीं? पहले सुनो, सभी जिला का सर्वे एक आधार पर नहीं है, तू कैसे कर देगा? वही तो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, वही तो नहीं, अभी हम क्या बोले, अभी हम क्या बोले कि जिस जिला में जो है, जिस जिला में जैसे सर्वे सेटलमेंट हुआ है, जिस जिला में पहले ये बताइए कि विजन क्या है। हम ये एक काम करते हैं, हम लोग इस पे सवाल पे आ जाते हैं कि मथुरा महतो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, ठीक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो मान के चलिए जीतते हैं, या जीतने से पहले मान लीजिए कि अभी चुनाव प्रचार में आएंगे, वो कैसे गिरिडीह को बदल देंगे? और ये सवाल आपसे भी है कि जयराम महतो चुनाव प्रचार के लिए जो निकल रहे हैं, वो गिरिडीह को कैसे बदलेंगे? जो आज तक बीते 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था यहाँ, और 2019 तक लगभग 16 आम चुनाव अब तक हो चुका है, 16 आम चुनाव में अब तक जो नहीं हुआ, वो क्या बदल देंगे? मथुरा महतो जीतने से, देखिए बस ऐसा ही है कि किसी नेता को वोट देकर के जिता देना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रविंदर पांडे जी भी यहाँ 20-25 साल रहे, उन्होंने मरने के बाद एक शमशान घाट दिया है, जाके आप पता कर लिए। RCP तो एक मिनट जरा बीच में मत रोको, यहाँ पर रुके, अरे जहाँ जहाँ देखे लो सेठ, रुको नहीं, आप आदमी पागल है कि अभी रविंदर पांडे जी का है, पहले भी बोल दिया मर गया रविंदर पांडे, थोड़ो कहे मर गया पागल, अरे आए तुम पगला गया है क्या? बोल रहे हैं रविंदर पांडे 20-25 साल में जहाँ शमशान घाट होता है वहाँ सेठ दिया है, जो आदमी जलाने जाता है तो वहाँ बैठता है, इसके सिवा वो कुछ नहीं दिया रविंदर पांडे ने, ठीक है। उसके बाद CP चौधरी जब आए, तो CP चौधरी जी ने अभी फिलहाल चौक चौराहे में लाइट लगवा दे रहा है, समझ गया, बोलता है मैं प्रकाश दे रहा हूँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो प्रकाश हमको लगता है अंधेरे में तब्दील होगा इस बार। हम भाई पार्टी का नेता से बतियाने में यही दिखा, हम पूछ रहे हैं कि मथुरा महतो के जीतने से क्या बदल जाएगा गिरिडीह में, तो आप चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर रहे हैं, रविंद्र पांडे की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चीज है, देख लीजिए, मथुरा महतो जीतने से क्या बदलेगा? देखिए, मथुरा महतो जी भी बात लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं है, सुनिए, मथुरा महतो, पहले सुनिए, मथुरा महतो हमको बोलने दीजिए, अरे बाबा, मथुरा महतो जीतने से जो लोगों ने किया है, क्या किया है लोगों ने, ये भी करेंगे, जिनका इनका जो होगा वो करने लायक होगा करेंगे। विधायक मतलब है, जो पहले जो लूटते आए हैं भी लूटेंगे, इनका कहने का मतलब जो घोटाला किए घोटाला करेंगे और क्या करेंगे, अब इनको पूछिए, इनको पूछिए, घोटाला की बात किया तो मैं पूछता हूँ कि ये आदमी खाते हैं तो एक तरफ निकालते हैं कि ये पेटवे में रखते हैं, पूछिए तो जेल जाते हैं घोटाला करके ना, अभी कौन गया जेल, ये तैयार आए, अभी नया नवेली दुल्हन है, इसको देखने का सबका शौक है और सब जीतेगा, सबको लड़का मुद्दा है सर, आप आ गया पीछे, यहाँ जयराम महतो छोड़ के कौन जीतेगा? मथुरा महतो यहाँ नामो निशान नहीं, उसका पार्टी केंद्रीय वोट नहीं देगा, कोई नहीं जानता, उसके पार्टी के लोग वोट नहीं, पार्टी के लोग वोट नहीं देगा, आप आइएगा नॉमिनेशन के बाद, आइएगा उसका रिजल्ट देखने के बाद, 36% वोट है JMM का, आप लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं देगा, अच्छा बहुत पता चलेगा ना, आदिवासी वोट नहीं करेगा, आदिवासी वोट नहीं देगा, मुसलमान वोट नहीं करेगा, वोट नहीं देगा, विधानसभा का चुनाव चौक चौराहे ले रहे हैं, ये लोग बोला जरा सा, अब हमको ये लेकिन सब लोग मिलके भारी पड़ गए, सुनिए ना, बोल रहा जरा सा मुस्लिम, सुनिए ना, अच्छा चलो, अरे ये लोग बड़ा नेता बनने जा रहा है, जयराम जी बोलो, हाथ में हाथ नहीं पकड़ी, बोली क्या, हम लोग तो जनता है भैया, हम लोग कोई नेता तो नहीं है, आप यही सर्वे कर लिए, इतना जयराम महतो कितना है सर, हाँ कीजिए इतना, ठीक है एक बार सर्वे हो जाए भाई की कौन कौन किसके समर्थन, अच्छा मथुरा, सुनिए मथुरा महतो के लिए कितने लोग हैं भाई, हाथ उठाइए, आया ठीक है, चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए कितने लोग हैं एक बार, वहाँ जयराम महतो के लिए कौन कितने लोग,
अब देखिए अभी कुछ बोल अब हमारे दर्शक अब हम सुने सुने अब हमारे दर्शक ये ना समझें कि हम लोगों ने किसी के खास पार्टी के किसी समर्थकों को यहाँ बुला लिया। क्या भाई किसी को बुलाया? नहीं नहीं नहीं। ये यहाँ एक जमावड़ा था, हम लोगों ने शुरू किया, भीड़ जुट गई और अच्छी खासी भीड़ जुट गई और इसके बाद ये चर्चा जो है चाणक्य की चर्चा से भी फेल हो गया। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। देखिए अभी लोगों ने बोल दे रहा, लेकिन आप फंस गए। नहीं फंसेंगे कैसे यार, नेता मानने वाला नहीं। नहीं क्यों मानेगा, सुनिए जब मैं भी सुनिए, जयराम महतो अभी चुनाव लड़ रहा है, जरा सा जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंटिंग मीडिया में चल रहा है, ठीक है। हम भी 2009 में लोकसभा का चुनाव निर्दलीय से यहाँ से लड़े थे, गिरिडीह लोकसभा से 7,800-7,500 वोट आया था मेरा भी। तो कहने का मतलब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, वोट आया था पहले सुनिए 7,500-7,000 था ऐसा ही कुछ था। तो इतना मत लाए थे हम एक निर्दलीय उम्मीदवार, हमारे कांग्रेस पार्टी जब उम्मीदवार नहीं बनाया था। तो अभी जैसे लोग बोल रहा है, आप समझ सकते हैं बरनवाल वोट जितने बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी के सिवा किसी को नहीं देगा। और आपका बता रहे हैं जैसे कोई महत्व जी है, भी बीजेपी के सिवा किसी को नहीं देगा, ये बता रहे हैं प्रजापति वोटर जो है वो लोग भी देगा बीजेपी को। बरनवाल जी का वोट बीजेपी को जाएगा, पांडे जी का वोट बीजेपी को जाएगा, और कांग्रेस के तरफ से मुस्लिम वोटर ताक में रहेगा, देखेगा कि कौन जीत माने हराने वाला है इसको, किसको, नरेंद्र मोदी जी को। तो उनके उम्मीदवार को तो कहीं जयराम जी के जो तरफ कह रहा है लोग ने भी जयराम जी के तरफ, ये लोग पैक्ड वोट है, आदिवासी और हरिजन वोट इंडिया का माने जेएमएम का, इन लोग एकदम इसी को वोट देगा, किसी को नहीं देगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्या ठीक बोले, क्या तो सर जमाना चला गया सर, गधा रसगुल्ला खाता था, बोल रहा जमाना का अभी बात कर रहा बोल गया सर, पढ़ा लिखा सब हो गया सर, ये बरनवाल है हाथ उठा के बोलते हैं वोट जयराम महतो को दें। देखिए ये का बोलेगा इसको, कितने ठीक है, सात को चुनाव लड़ चुके हैं, एक को चुनाव जीते हैं, एक को चुनाव जीते हैं। सुनिए एक जरा सा, जब पांच चुनाव बात किया ना, तो यहाँ जनता जो है ना नावाडी के यहाँ डुमरी विधानसभा में एगो कोना से आया शिवा महतो सिजुआ से, एगो यही कोना से आया लालचंद महतो, अभी कह रहा है वो कोना से आएगा टाइगर जयराम महतो, और यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है ये लोग को, ये लोग तेज तरार आदमी को यहाँ वैल्यू नहीं देता है जनता, जिसका फायदा बाहर के लोग यहाँ उठा रहे हैं। आज रामगढ़ जरा सा रामगढ़ के उम्मीदवार यहाँ से आके गिरिडीह में चुनाव जीत रहा है, रविंद्र पांडे जी मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं, वो तो यहीं के थे, आज मान लीजिए टेकलाल बाबू हजारी बाबू से आके चुनाव लड़े, यहाँ घर के मुर्गी दाल बराबर महावीर महतो को समझता है, कहता रहता भैया तुम लोग चुनाव जीतता नहीं, सात बार हमारा फूफा जैसा जमाना जब्त हो जाता। सुन लीजिए जितना तो बस यही होगा, मजाक बनते रहेगा नावाडी के लोगों के साथ, और ऐसा ही मजाक बनते रहोगे, समझ लो यही मजाक के पात्र बनो। बात बहुत सीरियस बोल रहे हैं, मजाक बन फायर तो क्या करें, जोगी तय रहेगा तभी ना वोट देगा भैया, जोगी तय रहेगा तभी ना वोट देगा आदमी। अरे चलिए इतना बता दिए अब हमको, इतना हंसी मजाक की भी बात हो गई, खूब इधर उधर भी बात हो गया, ये बताइए कि गिरिडीह में इस बार मुद्दा है क्या, रोजगार मुद्दा है, यहाँ के कोयला शिक्षा मुद्दा, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, या फिर यहाँ पढ़ाई का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? हमारा नाम है एमडी अमीरुल राम, छोटा सा बिजनेस करते हैं जी, हम कोई पार्टी से लगाव मेरा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, चूंकि जितना लोग मिला है सब लोग समर्थक निकला है, आप बताइए। लोग वहाँ वोटर हैं जी, लेकिन यहाँ का जो अभी हिसाब चल रहा है तीन पार्टी है, और मथुरा महतो भी जो है सब आ रहे हैं, अभी तक फील्ड में वो आए नहीं है, अभी हम लोग सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी 5 साल देख चुके हैं, और आज 3-4 साल से जयराम महतो घर घर में गली गली में जा करके लोग को जगा रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ओबीसी हो, एसी हो, एसटी हो, किसी का भी हो, वो झारखंड का लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, वही जो से तैयार कर रहे हैं, यहाँ का युवा करीब करीब मुस्लिम वोट का जहाँ तक बात है, हमको उम्मीद है कि अभी 50% वोट भी जो है सो जयराम महतो को ही जाएगा, 50% वोट, इसका मतलब इनके वोट बैंक में सेनमारी कीजिएगा, सेनमारी एकदम हो रहा है, जेएमएम के वोट में सेनमारी, जेएमएम के वोट में भी सेनमारी होगा। दूसरा नंबर चीज जो जब बोले ना ये क्या बोलते हैं एससी एसटी वाला में, उसमें भी कुछ वोट उसमें जाएगा, महतो लोग का 50% वोट जाएगा, मैंने हमको उम्मीद लग रहा है अभी तक जो माहौल है कि जयराम महतो जी निकलने जा रहे हैं। कितना वोट लेके आ सकते हैं, मैंने जब इतना बात बता दिए, जब आप ये भी बता दिए कि भाई आदिवासी भी आएगा, आप ये बता दिए कि मुसलमान भी आएगा, तो अमूमन आप बताइए कि ऑन एन एवरेज कितना वोट लेके, रिकॉर्ड बीट वोट से आएंगे लोग, दोनों से ज़्यादा लाएंगे, बहुत ज़्यादा लाएंगे ये लोग, दोनों जो लाएंगे चौधरी जी और क्या बोलते हैं मथुरा महतो, इन लोग से ज्यादा वोट। लेकिन जितना लोगों से हम बात कर रहे हैं वो लोग कह रहा है कि भाई हम अपना सांसद देख ही नहीं रहे हैं, प्रत्याशी कौन है, हम तो मोदी के नाम पे वोट करेंगे। वो अलग बात है, ठीक है, मोदी जी है वो अपना जगह पर है, मोदी से किसी का विरोध नहीं है, रह गया कि यहाँ स्थानीय लड़ाई को लेकर के जो मुद्दा उठाए हैं, युवा है,
मेहनत भी कर रहे हैं, घर घर में गली गली में जा करके सभी वर्ग को जगाने का काम कर रहे हैं कि आपका लड़ाई हम लड़ेंगे। तो लेकिन लोग कहता है कि भाई चुनाव के दौरान जो है आप लोग खूब माहौल बना देते हैं स्थानीय, लेकिन वोट देने के दौरान फिर हुआ कि चलो मोदी चाह रहा हो। बहुत बड़ा मुद्दा है उसके, उस चीज को लेकर के अभी जयराम महतो उठा रहा है, हर वर्ग के में हर गली घर में बोल रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कोई दुराई नहीं। बाकी और किसी कुछ बोलना है? हाँ, आपको भी कुछ बोलना है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने का जो इरादा है उसी पर इस बार चुनाव का फैक्टर करेगा। यहाँ कोई स्थानीय का मतलब नहीं चलेगा। अरे भाई, आप लोग गलत बता रहे थे, अभी ये बता रहे हैं कि 400 प्लस वाला जो भाषण है सबका है, पार्टी का नेता है। हाँ, तो पार्टी नेता है, पार्टी ने बात बोले, पार्टी नेता है, एक नंबर बीजेपी का भक्त है, समर्थक हम लोग, पूरा बरनवाल जातीय बीजेपी को वोट देता, लेकिन प्रत्याशी ऐसा खराब है जो कोई उसको वोट नहीं देता। प्रत्याशी हम लोग को नहीं देखना, हम लोग देख रहे हैं कि देश को देखना है, हम लोग देश सुरक्षित में जो दुख सुख में साथ देगा भैया, मोदी जी आएंगे हमारा सुख दुख में साथ देने का। मोदी जी के सिपाही यहाँ काम करेंगे, मोदी के सिपाही काम करेंगे, मोदी जी कार्यकर्ता काम करेंगे। बेरोजगार से हम लोग झारखंड में मर रहे हैं। कहने का मतलब है, हम एक स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब है सर कि सरकार ठीक है, मोदी का ही सरकार है, लेकिन सरकार तो हम लोग को घर देखने के लिए नहीं आता कि हम लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। वो तो कोई भी काम नहीं कर सकता ना, वही ना बोल रहे। रह गया बात कि अभी जो प्रत्याशी जो भी है, हमारे जो सीपी चौधरी भी जो भी है, जो भी है नावाडी क्षेत्र में, वो कितना भी मतलब कितना बार आए और क्या से क्या मतलब क्या किए हैं, वो चीज हम मतलब थोड़ा सा देखिए। 5 साल के कार्यकाल में जो चौधरी जी का है, 5 साल के जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, पहले इनका सवाल। हम लोग यही अपना से अथी किए हैं कि हम लोग को कुछ भी हो जाए, जयराम महतो को हर हाल में संसद बनाना है तो बनाना है। चलिए ठीक है, आपका सवाल हो गया। ये पूछ रहे हैं कि नावाडी में चंद्रप्रकाश चौधरी का 5 काम बताइए। 5 साल के कार्यकाल का जो है, पहला नंबर हाथ पे गिनाइए। चंद्रप्रकाश चौधरी का जो, मान के चलिए आपका 2-2.5 साल आपका लॉकडाउन और कोरोना काल में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ठीक इसी सवाल पे अब हमको बात नहीं, एक मिनट ठीक है। आप बीजेपी के हैं जी, अब हेमंत सोरेन भी जब घूम घूम के बोल रहे थे कि 2.5 साल कोरोना में चला गया, तब तो आप लोग कह रहे थे कि बदमाशी कर रहा है, झूठ बोल रहा है आदमी। ये 2.5 साल तो सबके लिए हुआ, फिर आप लोग विरोध हेमंत सोरेन पार्टी का, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था ना, उसमें हम थान से कपड़ा लेकर झंडा बना के काम किए हैं, आशू का, और आज तक है अभी। लेकिन बताइए, चंद्रप्रकाश चौधरी एक दिन भी मिला होगा तो आप बात किया होगा, सुनिए, इसलिए उसको निकला। आज एगो कहने का मतलब ठीक है, वो हम लोग का प्रत्याशी गलत है, मान के प्रत्याशी से मतलब गलत, हम लेकिन हम लोग को मोदी के नाम से वोट करेंगे और देश के नाम से वोट करेंगे, प्रत्याशी है कि हम लोग। तो कुल मिला के ये बातचीत है, भारी भरकम बात हो गई है, खूब आंकड़े, खूब दावे, खूब वादे कर दिए गए हैं, समर्थकों का एक हुजूम भी जुड़ा, चाहे वो समर्थक बीजेपी के हों, चाहे वो समर्थक जयराम महतो के हों, चाहे समर्थक कांग्रेस और यानी कि कुल मिला के गठबंधन के क्यों ना हो। तो ये पूरी बातचीत रही है, ये पूरी बातचीत आपके हवाले है, कितना रगड़ के आप ये वीडियो देखते हैं ये आप पे निर्भर करता है, और कितना हपच के इसको शेयर करते हैं ये भी आपके उंगलियों पर, आपके मन मस्तिष्क पर निर्भर करता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा, मैं हूँ आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।